उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी के खिलाफ परिवार और पार्टी में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी परिवार और पार्टी में एक साजिश का शिकार है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पार्टी के भीतर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये दुर्भाग्य है कि जबकि कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका को वो दर्जा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। देखिए, राहुल गांधी की जो पलायनवादी नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। और प्रियंका गांधी जी का चुनाव ना लड़ना, धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बहुत नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है जो 4 जून के बाद फटेगा। और देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। 4 जून के बाद कांग्रेस दो धड़ों में बट जाएगी। एक धड़ा होगा राहुल गांधी का, एक धड़ा होगा प्रियंका गांधी जी का। कांग्रेस राहुल, कांग्रेस प्रियंका।